आपने भी इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करी थी एंड टॉक अबाउट आज वक्त क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितनी शर्मनाक बात है ये। वेल इट्स सैड, इट्स ट्रेजिक, इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड द पीपल बिहाइंड इट शुड बी पनिश्ड। एंड आई थिंक एक 8 साल की बच्ची को एज ए सोसाइटी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बहुत शर्म की बात है। एंड बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं, आई फील वेरी अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो। आई थिंक इसको यू नो छोटी बच्चियों को लेके और ख़ासकर उनके साथ जो रेप हुआ उसको लेके यू शुड नॉट मेक इट पॉलिटिकल। आई थिंक जस्टिस इज़ वॉट वी शुड बी फाइटिंग फॉर एंड आर्ग्यूइंग अबाउट, नॉट अबाउट मेकिंग द इशू पॉलिटिकल। दैट्स व्हाट आई थिंक। वेल आई थिंक सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अनु मैम को, शशि सर को, कि वो एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जिसको वो हर साल करते हैं एंड इस साल मैं भी उसका हिस्सा बन पाई। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि हम लड़कियों को बढ़ावा दें क्योंकि लड़कियाँ भी देश के लिए उतनी ही गौरव ला सकती जितना कि लड़के। एंड आई थिंक कोई भी क्षेत्र हो गर्ल्स आर डूइंग सो मच बेटर, सो आई फील वेरी स्ट्रांगली मैं भी आज जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ माय मदर, बिकॉज ऑफ हाउ शी पुश्ड मी, हाउ मच शी सपोर्टेड मी। सो या आई एम ऑल फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए क्योंकि ड्रीम्स पूरी होती हैं, ज़रूर होती हैं। और मैं जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, हमारे आसपास के मेन और विमेन हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि एक अच्छे समाज की जो नींव होती है वो एक औरत रखती है। सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग विमेन मेक फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट।